शेर के रोने की आवाज़ जो है ना, मैं लूँगी एग वाइट, ठीक है, दो चार दिन लूँगी एक रोटी। और ये मैंने ऑलिव ऑयल में बनाया, जस्ट हमने थोड़ा सा बस बेस में लगाना है और इसे बना देना सारा। आज थोड़ा टूट गया मैं, किधर गया, बंद हो गया। अच्छा जनाब, नाश्ते में मैंने लिए हैं एग्स, ठीक है, दो एग वाइट लूँगी, साथ में रोटी लिए और इसमें मैंने ऑलिव ऑयल डाला, बिल्कुल थोड़ा सा बेस में आपने लगाना है, ये नहीं कि आपने चम्मच चम्मच डाल देने, बिल्कुल हाफ मैंने जो ना टेबल स्पून वो डाला है, ठीक है जी। यमी यमी सा एग रेडी हो गया। बिस्मिल्लाह, हम सीज़न का नया साग आज बनाने लगे हैं, होपफुली अच्छा ही बनेगा। हाँ, बाथू नहीं मंगवाया तो पालक किधर है? बीच ही है, मैं छुरी भी ऐसे थे। अच्छा, मैं देती हूँ। अच्छा जनाब, ये सीज़न का पहला साग जो है ना वो आ गया और ये मामा आज बना रही हैं। बाथू जो अभी नहीं आया था, हम इसमें अंदर पालक ऐड करेंगे। यूनिवर्सिटी किचन में जनाब यहाँ पे बन रहा है साग, ठीक है, अभी प्रिपेयर नहीं हुआ, अभी जो है वो स्टार्टिंग में। और यहाँ पे जनाब बन रहा है आलू कीमा शोरबे वाला, तो माशाल्लाह आपने ज़रूर बोलना है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साग बना रही हैं यहाँ पे, साग जो है ना वो ग्राइंड कर रही हैं, यहाँ पे ग्राइंड किया जा रहा है। और ये देखिए जनाब, साग ग्राइंड करके मामा जो है इसमें डाल रही हैं, फिर इसको तड़का लगेगा, मिर्चें डलेंगी, जो जो होता है वो सारा सारा बाद में होगा, बड़ा मज़े का बनेगा वैसे। चलो माशाल्लाह, आज जो है ना हमने साग बनाया है, बहुत ही मज़े का साग है, मिनरल जहाँ पे रोटी बन रही हैं, ठीक है। और इधर जनाब कोई साग साइड पे किया हुआ, क्योंकि इसमें पानी कम वाला चाहिए, बिल्कुल ड्राई वाला खाते हैं, और यहाँ पे जो है रोटियाँ बन रही हैं, ठीक है। तो ये सीन है आज, देसी और दही के साथ मैं खाती हूँ साग, मैं मक्खन वगैरह नहीं लेती, बल्कि दही यूज़ करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, चेक करें जनाब, आप लोगों ने पता नहीं सीज़न का साग बनाया है कि नहीं, लेकिन हमारे घर साग बहुत शौक से खाया जाता है, इसलिए सीज़न अभी स्टार्ट नहीं हुआ और माशाल्लाह साग जो बन गया। आई डोंट नो आप लोग देसी की वगैरह के साथ खाते हो, लेकिन मैं दही के साथ खाती हूँ, क्योंकि दही के साथ बहुत मज़े का लगता है साग। यमी 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 साग यार, बहुत मज़े का लगता है, बहुत लजीज है। जनाब दराज से मैंने जो है ना कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, कुछ ज्वेलरी स्टफ जो है ना वो ऑर्डर किया था, लेट मी सी क्या क्या है। एक मिनट रुको ना, अभी तो ओपन ही नहीं हुई, तो आपको कैसे पता इतनी प्यारी है? दिखाएं जी दराज से क्या है हमारे लिए, इतनी प्यारी है। और अभी तो खुली नहीं, आप किस तरह आपको पता इतनी प्यारी, इतनी प्यारी, दिखाएं जनाब, इतनी प्यारी है। हाँ ये तो इतनी प्यारी है, ये तो इतनी प्यारी है, दिखाएं जी कितनी प्यारी है। ये आई जी दराज से रिंग, हाँ ये तो अम्मी, ये तो बहुत ही प्यारी है ना, कौन तो है ये चेक करें जरा, बाल छल को इग्नोर कीजिएगा, उधर तैयार होकर फिर आपको दिखाएंगे दोबारा। अच्छा जनाब एक और है, इसमें देखिए क्या क्या है, वाव रिंग है ये तो, दिखाएं जी वाली रिंग भी, मैंने ये भी चक्कर है, ब्रेड पड़ी हुई है यहाँ पे जो है ना, दूध की रबड़ी बन रही है, और यहाँ पे जो ना ये शीरा जो है ना प्रिपेयर हो रहा है, तो इट्स मीन के आज बन रहे हैं शाही टुकड़े, ठीक है। पहले मैं खुद ट्राई करती हूँ, उसके बाद रेसिपी जो है ना मैं हमेशा अपलोड करती हूँ, ये बात याद रखिएगा सारे। तो हमारे शाही टुकड़े यहाँ यहाँ से उठाना है, इसमें इस तरह डिप करते जाना है, इकट्ठे ले लेते हैं, दैट्स इट, अब इसको गोल्डन ब्राउन करके। और अच्छा जनाब वो हमारे टुकड़े हो गए, मैं ये जो है ना ये वाले पीसेस इसमें ला रही हूँ, देखिए शाही टुकड़े हमारे रेडी हो चुके हैं, बल्कि फ्राई हो चुके हैं, यहाँ पे रबड़ी भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, इनको बेस शीरे में डुबोते हैं, फटाफट बेस में लगा दो ब्रेड, ठीक है, इसको हमने फ्राई किया हुआ है। ये रहा हमारा खाली जो है ना वो बाउल, और ये रहा शीरा, शीरे के अंदर अब डिप करेंगे कि करके, बिस्मिल्लाह ऐसे आपने डिप करते जाना है और फिर आपने निकालते भी जाना है इसको, ठीक है, थोड़ी देर डिप करके रखना है, फिर मैं निकालती हूँ, अभी चेक करें, ठीक है, शीरे में डिप हो गए, अब हम एक ही करके निकालते हैं, ठीक है, निकाल के आपने यहाँ पे रखते जाना है। छोटा कप, किचन कप छुपा लीजिए, छोटी वाली चाहिए।
तो एक करें, ये मैंने शीरे में डिप करके यहाँ पे लगती है लेयर्स, यहाँ पे भी जो पड़ी हुई है ये है ना वो सोगी वाला, क्योंकि बाबाश किशमिश खाते हैं, और यहाँ पे जो है ना रबड़ी तैयार हो गई है। अब रबड़ी फटाफट डालते हैं इसमें। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, और इस तरह भी डाल देते हैं बिस्मिल्लाह। अब मैं डाल के फिर आप ये चेक करें, ठीक है। यहाँ पे जो है ना शाही टुकड़े तैयार हो चुके हैं, यहाँ पे भी हो चुके हैं, और ये जो है ना दूध, ठीक है, ये मैंने ये जो इसमें डाल कर दिया, बिकॉज ये जो है ना सारा एब्जॉर्ब कर लेता है। वैसे तो इसको फ्राई करने का यही पर्पज़ होता है कि एब्जॉर्ब ना करें, लेकिन सम टाइम हो जाता है एब्जॉर्ब, तो फिर ये मैंने एक्स्ट्रा रखा है कि बाद में ये वाला डाल दूँगी ऊपर। अब इसके ऊपर बादाम डाल देते हैं। अच्छा जनाब, शाही टुकड़े हमारे तैयार हो चुके हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं, और यहाँ पे जो है ना ये किशमिश वाले हैं और ये बादाम वाले हैं। और ये भी इशू होता है, मतलब माशाल्लाह हमारी बड़ी फैमिली है, तो कोई जो है वो बादाम खाता है, कोई जो है किशमिश खाता है, कोई नारियल खाता है, कोई नहीं खाता। ठीक है जनाब, डिनर में जो है ना मटन है, ठीक है, रायता साथ में रोटी, यहाँ पे जो है शाही टुकड़े मैंने बनाए हैं, बहुत मज़े के से बने हैं। ये तीनों गिव अवे, ठीक है, एक ये है और एक ये है, ऊपर दाम चिट वगैरह लगा दी थी, और एक ये है, ठीक है, मैं तीनों खोल के दिखाती हूँ आपको। अच्छा, पहले वाला एक ये है, ठीक है, इसके अंदर ये पार्सल है, अभी मैंने पैक नहीं किया सिर्फ दिखाने के लिए। ये देखें, ये सहारे, और अभी इसको पैक करूँगी मैं, और ये रहा खुस्सा रेड वाला, ये चेक करें, जो है ना हमारे गिव अवे हैं, एक ये है रेड वाला, और ये साथ में ज्वेलरी, मैं ज्वेलरी खोल के दिखा देती हूँ आपको, इधर रख लेते हैं, ये चेक कर लें, ठीक है। और एक जो है ना हमारा ये वाला है, और ये इसका पार्सल मैंने पैक कर दिया है, और एक हमारा ये वाला है, ठीक है जी, इसके भी सेम सहारे हैं, और ये रहा स्टिकर, और ये रहा इसका खुस्सा। तो मैं ज़रूर पार्टिसिपेट किया करें, क्योंकि ये तीनों गिव अवे ही हैं, ये एक ये खुस्सा पड़ा हुआ है, और इसके साथ ज्वेलरी ये सहारे हैं, ठीक है, एक ये है ऑरेंज वाला, ये गेस्टर के लिए है, और ये इसका जो है ना ज्वेलरी है, और एक ये येलो वाला बहुत ही प्यारा, और ये इसके जो है ना सहारे पड़े हैं। तो आप लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट कीजिएगा, क्योंकि मैं गिव अवे निकालती हूँ, और रियल में वो सही वाले होते हैं गिव अवे।